हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का 121वां दिन है और फिलहाल हम हैं भीमताल में। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं जग गया था एक्चुअली 4 बजे। वीडियोज़ वगैरह एडिट करनी थी, वीडियो एडिट किया, फिर छत पे आ गया था और छत पे आके मैंने जो है पीछे कैमरा रख के टाइम लैप्स लगा दिया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ सनराइज़ दिखाऊंगा कैसे होता है और वाकई में मज़ा आ रहा है। जो व्यू है सामने वो देख के दिल खुश हो गया। ये है भीमताल लेक और ये लेक के बीच में बना हुआ एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम कैफ़े। एक्चुअली एक्वेरियम भी है और कैफ़े भी है। तो अगर आपको यहाँ जाना होता है तो वहाँ साइड से बोट्स मिलती हैं, उधर साइड से बोट्स मिलते हैं, आप यहाँ तक जा सकते हैं और वहाँ दुनिया भर की मछलियों की प्रजातियाँ हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो बहुत प्यारी जगह है एक्चुअली, बहुत सुकून है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सुकून है। आप यहीं अगर इसे 8-9 किलोमीटर आगे जाके नैनीताल में रुकते तो वहाँ पे जो है थोड़ा क्राउड होता, क्योंकि वो थोड़ा क्राउडेड प्लेस है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। पर जहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं वो नॉर्मल सी बात है कि वो इतना शांत नहीं हो सकता है। पर ये जगह बहुत प्यारी है, बहुत सुकून है, बहुत शांत है, क्योंकि यहाँ जो लोग आते भी हैं वो इसी वजह से आते हैं कि उनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, थोड़ा रश से दूर, थोड़ी भीड़ भाड़ से दूर। तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। और ये जो कैफ़े है, ये कैफ़े का टेरेस है। मैंने सोचा था रात में छत पे टेंट लगाऊंगा, बट रात में सर ने बताया कि यहाँ पे छत पे लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा डर गया था इसलिए मैंने रात में जो छत पे कैंप नहीं किया। और इवन मेरी रात में थोड़ी नींद मुझे जल्दी आ गई, तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही थी, मुझे ठंड लग रही थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ही ठंड लग रहा है, और नहीं, लेकिन ठंड है, यहाँ सबको ठंड लग रही है। हम बाहर से आए हैं, इवन हमें इतनी गर्मी की आदत हो गई थी, डेली धूप में साइकिलिंग करते करते जो है एकदम शरीर चिलचिला जाता था। उस टाइम में ये ठंड जो है अचानक से आया तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था मैं। इसी वजह से मैं नीचे रूम में ही सो गया। बहुत प्यारा, बढ़िया व्यवस्था था नीचे, खाना वाना खा के आराम से सोया। और अभी मैं छत पे आया हूँ, अपना थोड़ा व्यू देख रहा हूँ। तो फिलहाल बातें नहीं करूँगा बहुत सारे, थोड़ा आनंद लो मैं इस जगह का। और आप लोग टाइम लैप्स देखिए। तो फिलहाल हम जो है अभी भीमताल में ही हैं और हम जा रहे हैं नौगछिया ताल की तरफ। भीमताल से नौगछिया ताल है 7 किलोमीटर। भीमताल से अभी हम फिर जब नौगछिया से वापस आएंगे तो हम जाएंगे 7 ताल की तरफ, वो है यहाँ से 3.5 किलोमीटर। तो आज हम नौगछिया और 7 ताल दोनों कवर करेंगे और दिखाते हैं आपको कितनी खूबसूरत जगह है। मेरा मन था यहाँ पर कैंपिंग करने का, बट वो थोड़ा सा लेपर्ड वगैरह वाला जो टेंशन है ना उससे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी लंबी है और जानबूझ के खतरों से खेलने का जो है बिल्कुल शौक़ नहीं है, मुझे बहुत घूमना है। तो इसलिए मैंने जो है कैंपिंग नहीं की रात में। और मैंने सुबह जाके छत पे देखा तो छत जो है, छत के ऊपर पीछे जो है ज़मीन है, मतलब मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा था, क्योंकि इस तरीके से मैं कभी होटल वगैरह में मैं रुका नहीं था, इवन इतने फेमस प्लेस पर। तो मैंने ये देखा कि ऊपर ज़मीन है फिर नीचे 3 फ्लोर का ऐसा मकान है, तो मेरे लिए नई चीज़ थी। और सर ने सही कहा था लेपर्ड वगैरह आ जाएंगे। मैं पहले सोच रहा था छत पे कैसे लेपर्ड आएंगे, बाद में मैंने देखा जब पीछे किया, अरे पीछे छत के ऊपर जो है ज़मीन है, तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार लेपर्ड कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम नौगछिया में ही हैं। यहाँ एक छोटा सा वो है, स्टॉल है, यहाँ पे बर्गर वगैरह खाएंगे। बर्गर खा के, और बर्गर नहीं एक्चुअली, बर्गर था, मैगी था, बहुत सारा ऑप्शन था, बट हमने पराठा चुना है। पराठा खाएंगे, पराठा खा के फिर निकलेंगे नौगछिया की तरफ। तो फिलहाल पराठा खाते हैं फिर निकलते हैं।
तो अभी मैं पहुंच चुका हूं एक जगह पे। इस जगह का नाम है कमल ताल। कमल ताल एक्चुअली नौगछिया ताल और भीम ताल के बीच में पड़ता है। नौगछिया ताल से जस्ट मुझे लगता है आधे 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा तो अभी हम हैं ये नौगछिया ताल के बीच में। एक्चुअली बीच में नहीं है, किनारे ही। तो अभी हम हैं नौगछिया ताल में और यहाँ मैं कयाकिंग कर रहा हूँ। ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जो मैं कयाकिंग कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं मैं ठीक से कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पहले कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। बट वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे पहली बार फ्रीडम मिली है कि मैं पानी के बीच में ऐसे आके कयाकिंग कर सकता हूँ। कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत प्यारा, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा कैमरा एक्चुअली मैं सही से होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता। बट कोई बात नहीं है, मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे ही दिखा देता हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। फाइनली काफ़ी थकान सी हो गई है। आधे घंटे की राइड थी, उन्होंने कहा था 40 मिनट तक आप राइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, मज़ा आया, एक गजब का एक्सपीरियंस रहा। और इतने प्यारे नज़ारे के साथ कयाकिंग करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है। बड़ा ही मज़ा आया। और यहाँ बीच में आके मुझे एक चीज़ बड़ी प्यारी लग रही है, वो है यहाँ चारों तरफ बने हुए होम स्टे होटल्स। बड़े ही गजब गजब के जो है घर हैं। और सच बता रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ पे जो है 1-1.5 महीने ऐसे ही चुपचाप बिना, मतलब ऐसे ही रह जाऊँ, पता भी नहीं चलेगा कब वो टाइम बीत गया। और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस। शायद हवा की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। और पीछे ये पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। तो एक बड़ा ही गजब सा एक्सपीरियंस है पहाड़ों के बीच में कयाकिंग करने का। पसंद आया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा एक्चुअली। बट वो मेरे पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है एक्चुअली यार। हाँ, बट मेरे पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि ये चुभ रहा है। प्लास्टिक वाला जो पोर्शन होता है वो बोन्स में ऐसा चुभ रहा है। कोई नहीं, उसका कुछ जुगाड़ लगा लेता हूँ अभी मैं। लेकिन मस्त, मज़ा आ रहा है। काफी लोग हैं यहाँ पे कायाकिंग करते हुए। सुकून, सबसे बड़ी चीज सुकून है। फिलहाल हम आ चुके हैं भीमताल, नौगछिया से वापस आ चुके हैं नौगछिया ताल से। और अब हम जा रहे हैं सात ताल की तरफ।
मैंने रिटर्न आते हुए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हैं, क्योंकि मैं अब क्योंकि थक गया था एक्चुअली, थोड़ी चढ़ाई थी हल्की फुल्की थी तो थोड़ी थकान हो गई थी। बट अभी हम जा रहे हैं सात ताल की तरफ, और सात ताल पहुँच के आप लोगों को दिखाता हूँ सात ताल के नज़ारे। तो मैं निकला तो था सात ताल जाने के लिए, सात ताल से 3 किलोमीटर पहले मुझे एक झील दिखा, नल दमयंती झील करके इस जगह का नाम है। बड़ी प्यारी सी जगह दिखी मुझे, वो रास्ता है पहाड़ के ऊपर से, वो उधर से होके जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पहुँचा था उस साइड में, मुझे ये जगह दिखी, बड़ी प्यारी लगी, बड़ी सुकून वाली जगह लगी, शांत, क्राउडेड नहीं थी ये जगह, बड़ी शांत थी, क्राउडेड बिल्कुल नहीं थी। जब मैं यहाँ आया तो गिन के 5 लोग थे, जिनमें हम 2 लोग भी थे, और अच्छा लगा। तो हम यहाँ आ गए थे 1 घंटे पहले, 2 बजे, 2 बजे से हम यहीं बैठे हैं, 3 बज चुके हैं। और मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था, थोड़ा गुस्सा था, थोड़ा परेशान था, इसकी वजह से मन नहीं कर रहा था कहीं जाने के लिए, तो मैं यहाँ आके बैठा 1 घंटे, और 1 घंटे बैठने के बाद फ़िलहाल अच्छा फील कर रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है, और थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया, मैं गया था कायाकिंग करने, और वहाँ मैंने एक कैमरा, जो मेरा छोटू कैमरा था, वो कहीं गायब हो गया कायाकिंग करते टाइम पे, डूब गया, कहाँ डूबा नहीं मालूम, पता ही नहीं चला। क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो लिया तो उसमें मैंने ऐसा माउंट किया, यहाँ पे माउंट होता है चेस्ट माउंट, मैंने उसमें माउंट किया हुआ था, फिर जब मैं वापस आके बाहर देख रहा हूँ तो वो कैमरा गायब, फिर मुझे लगा शायद जेब में हो, मैंने पूरा जितना हो सकता था पूरा चेक किया, कहीं नहीं, मतलब था ही नहीं, क्योंकि कहीं खो गया था, वो पानी में कहीं गिर गया था। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया कि अब तो मेरा बहुत नुकसान हो गया, फिर मैंने सोचा नुकसान हो ही गया है, अब टेंशन लेके और पूरा दिन पूरा और समय ख़राब होगा, और जहाँ आया हूँ इस जगह को घूम भी नहीं पाऊँगा, एंजॉय भी नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, वापस तो आ नहीं जाएगा मेरे टेंशन लेने से, तो मैंने छोड़ ही दिया, कोई बात नहीं, गायब हो गया गायब हो गया। और मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि मेरा कैमरा गायब हो गया है, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि वो कैमरा मैंने EMI पे लिया था, 18 महीने की EMI पे, जिसमें मैंने अभी सिर्फ 7 महीने की EMI दी हुई है, और 11 महीने की EMI जो है अभी आनी है, मतलब जानी है। तो मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जब मैं 11 महीने बार बार हर महीने एक ऐसी चीज़ के लिए EMI दूंगा जो मैंने खोआ दी है, तो मुझे बार बार याद आएगा, बार बार वो चीज़ याद आएगी। तो मुझे वो सोच सोच के जो है ना थोड़ी हंसी भी आ रही है, थोड़ी टेंशन भी है, क्योंकि मैं बार बार उस चीज़ को भूल नहीं पाऊंगा 11 महीने तक। अदरवाइज़ अगर वो कैश में लिया होता मैंने तो 2 दिन या 3 दिन या 10 दिन का थोड़ा रहता कि हाँ होता तो, पर वो 10 दिन बाद एक कहीं ना कहीं जाके दिमाग से निकल जाता। बट अभी क्या है ना कि वो 11 महीने तक दिमाग से नहीं निकलने वाला है, वो दिमाग में रहेगा, बार बार उस चीज़ की नीड महसूस होगी कि काश एक छोटी सी गलती नहीं की होती मैंने तो वो मेरे पास होता अभी। बट वो अब हो गई गलती, तो मैं अब टाइम में वापस जा नहीं सकता हूँ, उस गलती को सुधार नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ एक सबक मिल गया कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं और छोटी मोटी सावधानियाँ बरतनी थी। एक्चुअली जब कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद आपके दिमाग में आता है अरे नहीं ऐसे क्या होता तो थोड़ा बेहतर होता, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे कैमरा था,
वो वही कैमरा था, मैंने सोचा कायाकिंग करते टाइम पे थोड़ी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैंने कैमरा यहाँ पे माउंट किया चेस्ट पे, वो मैग्नेट होता है, पेंडेंट होता है उसका, पेंडेंट में वो लग जाता है, मैग्नेटिक है। लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे मुझे आइडिया ही नहीं है, काफ़ी मैंने आधे घंटे से ऊपर कायाकिंग की तब तक था, मैंने इवन लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड की उस टाइम तक मेरे पास था, बट जब मैं बाहर आ रहा था तब कहीं पे जो है वो गिर गया, और गिर गया तो गिर ही गया, क्या ही कर सकते हैं। बट वही मैंने सोचा आप लोगों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ, मैंने सोचा था मैं बताऊँगा नहीं, बट क्या ही करना है, क्या जब हो गया है तो हो गया है, उसकी चिंता नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे वो सोच सोच के हंसी आ रही है कि मैं अभी 11 महीने उसकी EMI देने वाला हूँ, और मुझे हर वो 11 महीने में जब भी मैं EMI पे करूँगा तो मुझे बार बार वो चीज़ याद आएगी कि यार मैं इस चीज़ के लिए EMI दे रहा हूँ जिसको मैंने खोवा दिया है, गायब कर दिया है। तो कोई बात नहीं है, और फिलहाल हमने बताया कि हम नल दमयंती झील के बगल में है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, मतलब थोड़ी हवा चल रही है तो उसके कुछ साउंड्स आ रहे होंगे, तो वो कैसे ठीक करना है। एक्चुअली माइक मेरा, वैसे मेरा माइक जो है मैंने ऑर्डर किया था, डिलीवर हो गया है, तो जब मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश में वापस जाऊँगा, उत्तर प्रदेश का मतलब मैं जब मुरादाबाद की तरफ जाऊँगा तब वो मैं रिसीव कर लूँगा, क्योंकि वो डिलीवर हुआ है नगीना में, तो मुझे वहाँ जाना होगा रिसीव करने के लिए। जब मैं रिसीव कर लूँगा तो मे भी मेरी थोड़ी साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, हवा वगैरह वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तब तक आप लोगों को थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मेरा छोटू कैमरा भी चला ही गया, तो अभी तो मेरा सारा वीडियो मेरे फ़ोन से और मेरे छोटे दूसरे वाले कैमरे से बनने वाला है, और माइक के मामले में ये दोनों बहुत अच्छे नहीं हैं। तो कोई बात नहीं है, फिलहाल तो हम यहाँ बैठे हैं, आराम करेंगे 10-15 मिनट, आधे घंटे और रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके वापस भीमताल की तरफ जाऊँगा, और भीमताल भी आप लोगों को दिखाऊँगा, क्योंकि भीमताल भी बहुत सुंदर जगह है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, और मैं भीमताल में ही रुका हुआ हूँ, तो भीमताल नहीं दिखाऊँ तो ये भी अनफेयर है। मैंने कल बोल रखा था कि आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर, तो मैं अभी जाता हूँ थोड़ा रेस्ट करके भीमताल की तरफ, और भीमताल दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फिलहाल हम आ गए हैं भीमताल वापस, और यहाँ मैंने बोला था मैं एक्वेरियम लेके जाऊँगा, कैफ़े है वो दिखाऊँगा, बट जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये स्टॉल लगा हुआ है, टिकट काउंटर है, यहाँ पर आया मैं, मैंने पूछा कितने का टिकट है, फेयर लिखा हुआ था 100 रुपये, उन्होंने कहा 100 रुपये का, काट दे रहा हूँ काट दे रहा हूँ, मैंने कहा एक मिनट क्या क्या है इसमें, उन्होंने कहा 40 तरह के जो है जलीय प्राणी हैं वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 40 अलग अलग वैरायटी है मछलियों की वो देखने के लिए मिलेगी। मैंने कहा वो बढ़िया है, अच्छा है, 100 रुपये में 40 अलग अलग वैरायटियाँ देखने के लिए मिलेंगी, अच्छा है। फिर मैंने कहा एक बार बताइए बोटिंग का फेयर क्या है, बोटिंग इंक्लूडेड है, उन्होंने कहा नहीं 250 रुपये बोटिंग का है। तो मैंने फिर जो है थोड़ा मन बदल लिया अपना, रीज़न ये है कि यहाँ से ये 100 मीटर भी नहीं है, और यहाँ से वहाँ जाने का जो है चार्ज है 250 रुपये, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि मैं जो है बजट ट्रैवल करता हूँ, और मेरा डेली का बजट है 200 रुपये, ऑलरेडी मैं 100 रुपये खर्च कर चुका हूँ, 100 रुपये खाने पे खर्च कर चुका हूँ, तो मेरा डेली बजट जो है क्रॉस हो चुका है। बात वहाँ जाने की नहीं है, मैं चला भी जाता, लेकिन ऑलरेडी आज मेरा बहुत नुकसान हो गया है, मेरा कैमरा गायब हो गया, तो वो मेरा असली नुकसान है, तो मैं ऑलरेडी बहुत लॉस में हूँ, अब मैं एक और लॉस बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता था। हाँ, लेकिन मैं अभी इंटरनेट से कुछ ऐसी वीडियोज़ उठाऊँगा, फ़ोटोज़ उठाऊँगा जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, एटलीस्ट फ़ोटोज़ तो आपको दिखाई दूँगा कि एक्वेरियम अंदर से है कैसा और क्या क्या चीज़ें हैं अंदर, तो मे भी आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। और आप अगर कभी यहाँ आते हैं तो बिंदास आइए, बेझिझक वहाँ पर जाइए, आप यहाँ आए और 300 रुपये के चक्कर में वहाँ ना जाएँ तो बेकार है आना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की काफ़ी फेमस जगह है वो एक्वेरियम कैफ़े, ये झील के बीच में है, तो अलग ही खूबसूरती है उसकी, इवन शाम के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगता है। हमारी मजबूरी है, हम बजट ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे, अदरवाइज़ मन तो हमारा भी था जाने का, बट कोई बात नहीं है, अब हम कल सुबह यहाँ से निकलने वाले हैं नैनीताल के लिए, नैनीताल में बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए घूमने के लिए, तो हम वहाँ जाके वहीं घूमेंगे, और फिलहाल के लिए बस यही है, हम अपनी वीडियो को फ़िलहाल यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अभी मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, मैं जाऊंगा वीडियोस एडिट करूंगा और आराम करूंगा। रीज़न ये है कि आज थोड़ा मन अच्छा नहीं है मेरा, तो बस अभी जाके बस आराम करूंगा, और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। बाय, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।